जेब कतरे का काम करने लगे तो उन्होंने कहा कि बिना रसीद के मनी ऑर्डर। उन्होंने उस काम को इस तरीके से बताना चाहा कि मैं बिना रसीद के मनी ऑर्डर करता हूँ। एक तो ये दूसरा, जब वो रेलवे अधिकारी के साथ काम करते थे तो बन ठन के आने का उनका बड़ा वो था, तो अच्छे कपड़े पहन के और कल घड़ी पहन के वो पहुँच गए, तो वो अफसर जो था वो जो सामाजिक सरोकार दिखाई देते हैं कि मजदूर मजदूर ऐसा दिखाई देते, तो उन्होंने कहा तुम ये क्या कपड़े पहन के आ गए। उन्होंने कहा कपड़े से मेरे काम का क्या मतलब है, कि तुम कुली हो, कुली की तरह कपड़े पहनो। कुली मतलब कपड़े काम करते हैं या मैं काम करूंगा, उसका भी इसमें जिक्र बड़े अच्छे से आया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि इसमें उस व्यक्ति के जो संघर्ष हैं, जो मजदूर आदमी है जिसके माता पिता नहीं है, जिसके पिता ने उसको छोड़ दिया, फिर जिसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, फिर वो ननिहाल में गया, फिर वहाँ पंचायत हुई, फिर वहाँ से गया, फिर वो पकड़ा गया तो दारोगा ने कहा कितने पैसे हैं तेरे पास, मारा पीटा, लेकिन वो कहता है मैं ऐसी जगह पैसे छिपा के रखता था कि मजा ले जो निकल जाए। तो उसके बाद फिर वो 25 बोलता है 25 रुपए देगा तो छोड़ देंगे, तो कहता है मैंने उसको 24 रुपए दिए। तो उसने कहा ये पाप क्या और पुण्य क्या। तो रेलवे में सफर कर रहे हैं साथ, मित्र है साथ में, झोले में उसके पैसे हैं, बड़ी सफाई से भटोल में से पैसे निकाल लेते हैं बाबूदासी, अपनी जेब में रख लेते हैं। वो कहता है मैं चलो तुझे खाना खिलाता हूँ, खाना खाते हैं साहब, तो पर्स निकालते हैं तो पर्स में पैसे ही नहीं है। तो मित्र उसका अपना मित्र, और कहता है क्या पाप और क्या पुण्य, बोलता चलो पैसे मैं दूंगा। तो ये सारी चीजें बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सहजता से बड़ी सरलता से किताब में आई है, तो बड़ा मन करता है इसको पढ़ने का बार बार। तो ये एक अच्छी, मैं तो सबसे आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको पढ़ा जाना चाहिए। और प्रभात जी के फोन आ रहे हैं, मैं आप सीधे प्रभात जी के पास जा रहा हूँ। इतना ठीक है, इस खुले मंच में क्योंकि अब शैडो धूप से भरे, वो लाइट वैसी नहीं है ना, जो ये मंच था इसको प्रवीण भट्ट मैडम और उनकी फैमिली ने जिस तरह से संयोजित किया वो बड़ी गजब की चीज। वस्तुतः जब चीजें बनाई जाती है तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है, हम तोड़ने वाले हैं। और हम कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तो जी जमाने के लिए, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को समझाना, जब अंदाज है गड़बड़ तो अंदाज क्यों ना हो मस्ताना। तो यह अंदाज जो है मस्ताना होना चाहिए, और इसमें जो ठंड हो रही है उस ठंड को कुछ ताकत से आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अंगीठी भी जल रही है। तो ब्रेक तो यह कहता है, ब्रेक तो हर नाटक को जब देखता है तो उस नाटक के बाद वो करता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको वो तोड़ता है और कहता है एक गेम है, एक खेल है, और असली चीज तो आनंद है, उसी आनंद को हम जीते हैं और उसी आनंद से हम जीत होते हैं। आज हम देखते हैं कि जितने भी मंच में हुए, जितने लोगों ने कहा, सबने तकनीक को गाली दी और सब तकनीक का ही यूज कर रहे हैं। यही हमारे जमाने की त्रासदी है, जब तकनीक है तो फिर बुरा क्या है, वही चीज आगे बढ़ेगी जो वो हो। तो वस्तुतः मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो भागुदा जी को डायरी लिखी वो मैंने नहीं लिखी, उन्होंने लिखी। बहुत से लोग समझते हैं क्या बता यही भागुदास हो, और तो मैं भागुदास नहीं हूं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान तो सबसे बढ़िया यह है कि जितने भी यहाँ पर उठे उनका बात थी कि लोग क्या है। अरे जब अंदर लोग ही नहीं है तो कहाँ का लोग, अंदर लोग नहीं है, लोग 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 संकेत नहीं है, संकेत संकेत अरे भाग में जाए। असली लोग तो प्रेम है, और वो प्रेम हमने देखा, आपने देखा होगा कि सब चीज पर बात है कि ये है या है नहीं, लेकिन खाने पर कोई बात नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने नहीं खाना, सबने कहा खाना है, और खूब लंबी लाइन लग रही है। लेकिन वहां पर देखिए खाना तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा, भाई तुम खा लो। मैंने भी एक से कहा भाई साहब आप खा लीजिए पहले, तो मैंने नहीं आप खा लीजिए, ये प्रेम है। और जब मैं ठंड से यहाँ पर सो रहा था, रोहित ने मुझसे कहा इतनी ठंड है, ये मेरा जैकेट पहनिए, उन्होंने जैकेट पहना। फिर मुझे ठंड हो रही थी तो मैडम खट से अंगीठी ले आई, जबकि मुझे किसी ने हटा करके वहां खुद जो है कब्जा जमा लिया। तो यह प्रेम है जो जिंदगी को आगे बढ़ाता। तो ये कहते हैं इब्तिदा में ही मारे गए सारे लोग,
और इश्क की इंतहा लाया और ये इंतहा भागुदास लाया। तो भागुदास जो था आदमी की तरह पैदा हुआ, पर वह उसको आदमी नहीं होने दिया। इस दुनिया की जो बेरुखी है, ये दुनिया का जो ठोंग है, उसको खत्म कर दिया। उसका नाम तक नहीं आया, पहले फागुदास, फिर पंचुदास, गरीब आदमी, उसके बाप ने तो उसको निकाल दिया और उसने जेब काटनी शुरू करी। वो चोर भी था, वो राहुल चांदन की तरह बड़ा भारी जाति बिरा। सोचिए कि उस जमाने में तिब्बत की यात्रा उसने सत्तू खा करके करी, आप कल्पना कर सकते हैं। हिमाचल की यात्रा करी उसने, सारे हिंदुस्तान की यात्रा करी, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं था। वह विद्रोही भी था, उसने प्रशासन के साथ लड़ाई भी लड़ी, उसके अंदर कम्युनिस्ट भी था, उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन जमाने ने उसको कुछ नहीं बदलने नहीं दिया। वो जेब कतरा भी रहा। वो कहता है कि जब मैं सच बोलता हूँ, दुनिया ऐसी है, जब मैं सच बोलूंगा लोगे ये कहीं झूठ बोल रहा है। जब उसने एक पुलिस वाले ने उससे कहा कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं लोगों की रसीद काटता हूँ, मतलब जेब कतरा था ना। तो वो हंसने लगे, मजाक कर रहा था। उसके बाद वो जब कश्मीर गया, तो कश्मीर में जब वो गया तो कश्मीर में उसने इधर उधर जाया करता था, तो लोग उसको सीआईडी का आदमी समझने लगे, तो एलआईयू वाले उसके पीछे लग गए। तो सबने कहा कि क्या आप वही है ना, नंद मैं वो नहीं हूँ। नहीं नहीं, हम जानते हैं आप वही हैं, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं। वो कह रहा भैया मैं वो नहीं हूँ। नहीं, आप वही हैं। तो ये दुनिया का धंधा है। तो वह आदमी वो था कि जैसा कहा जाता है कि फौजी कहते हैं, तेरे आईने में, तेरे हौसले में गुबार है, तेरे आईने में फुकार है, लेकिन जिन्हें बनने का था हौसला वो इसी आईने में सुधर गए। तो वही वो इस आईने में सुधरने वाला इंसान था। तो वैसे तो क्या है, आपके गालिब कहते हैं क्या, जो है आप बंदो गम दोनों असल में एक है, मौत आने से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। लेकिन उसने गम से निजात पाई और वो आगे बढ़ा, और इतना आगे बढ़ा कि उसने जिंदगी में वो चीज सारी लिखी, डायरी में वो सब कुछ लिखा जो कि लिखा जाना चाहिए। वो जिंदगी का तसव्वुर था, उसने उसको आगे बढ़ाया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका माध्यम बना। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं तो आदमी बनने की अभी कोशिश ही कर रहा हूँ, अभी तक आदमी नहीं बन पा रहा हूँ। और हमारा तो ये हाल है कि हम सोच रहे हैं कि आज जो है मुझ में ज्यादा तालियां पीटे और तालियां क्यों पीटे। हम इस तरह के इंसान, हम छोटी छोटी चीज को जीते हैं, लेकिन वो प्रेम से भरा हुआ आदमी, उसके अंतर्गत वह चीज थी जिसको कि जीने की मुद्दा कहते हैं। और उसने जब भी जो भी काम किया, उस काम को खुलेआम किया और उस जिंदगी को इस तरह से जिया कि आज अगर आप ठाकुरदास की डायरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप अमेजन से काम नहीं कर सकती है। मुझे कोई उसका पैसा नहीं मिलने वाला है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको पढ़िए और आपको मिलता है, आपको पता चलेगा। फिरता है फलक बरसों तो खाक के पड़ते से इंसान निकलता है। इंसान बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो बना। तो बाकी तो हम क्या कहें, होता तो यह है कि अपना कांटा खुद ही निकलना पड़ता है। ना हम सफर, ना किसी हमनसी का निकलेगा कांटा निकलगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम से निकलेगा। तो सज्जनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे खांसी हाथी भी हो रही है, और यहाँ पर जो दवाई आ रही है वो दवाई भी आ चुकी है, मैं उसका विज्ञापन भी नहीं कर रहा हूँ, वो आयुर्वेदिक दवाई है। लेकिन आज जो आप साहब हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, उन सबकी जय हो। और भागुदास की भी डर है, मैं सब भागुदास के बारे में बताऊंगा तो आप पढ़ेंगे क्या, और हमसे समय साक्ष वाले कहेंगे यार सब तुमने बता दिया, आपको कौन हमारे को ले जाएगा। इसलिए आपको पढ़िए। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जितने लोग हैं आप सबको मैं खा लूं, तो खा करके पचा लूं। यही असली प्रेम है जिंदगी में, असली प्रेम है। भी मोहन नहीं, आज भी मोहन को याद किया जाना चाहिए, वो कैसा इंसान था। असली प्रेम उस आदमी के अंदर था।
जब मैं मुझे याद है कि मैं उस दिन पौड़ी में गया था, मैं आता यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ लोग मिल जाते मुझे, गढ़वाल के लोग प्रेमी है सब मिल जाते, अरे गुरुजी प्रणाम, अभी एक कोई दौड़ करके आ रहा हूँ मिल रहा अखरोट ला रहा है, कोई मेरे लिए कुछ ला रहा है, अरे गुरुजी आप कहाँ हैं, आप गुरुजी कहाँ, गुरुजी कहाँ है, इतना ज्यादा प्रेम है। तो उस प्रेम को ही बीमोड़ने की जिसमें मैं पौड़ी के अंदर था, वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी एक मिनट, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा अभी आता, गया खट से एक मिठाई का पैकेट लाए, मैंने कहा गुरुजी ये दीदी की, मैंने मेरी पत्नी की, क्या बात है साहब, क्या वो लोग हैं, क्या वो जमोर है, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे फागुदास के अंदर तो वही प्रेम था, वो प्रेम में बिल्कुल मगन हो गए, पागल हो गए वो। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, उसने हर चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि जो कि अन्याय के खिलाफ है। तो ऐसे फागुदास भाव पैदा होते हैं जिनको पता नहीं चलता। आज बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी काम किया है, बहुत भारी काम किया है। आज हम कह रहे हैं कि लोग की बात आप कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, आप सब चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन आदमी की बात कहीं नहीं हो रही। क्या ये सब बदलाव ला सकता है, क्या ये भाषा बदलाव ला सकती है? भाषा तो बदलाव तभी लाएगी जब हम मरेंगे, और फागुदास ऐसे मरा, उसने ऐसी जिंदगी को जिया जो जिंदगी वाकई एक जिंदगी थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे रिजो, मैं जाते नहीं खाऊंगा और कहना ऐसे नहीं चाहूंगा कि अधेरा हो रहा और जो मैंने ये लिखा है मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा, मैंने तो बस यही है कि कहते गमे हस्ती का क्या हो तुझमर गिलास, गमे हस्ती का क्या हो तुझमर गिलास, क्षमा को तो जलना है सहार होने तक। तो जब तक हम जिंदा है तब तक जलेंगे, हमारे काम जलना है, हमने आपको जलाया इस ठंड में, आपने आपका भी धन्यवाद।